लाखों करोड़ों पैसों पर राज करने वाली एक्ट्रेस काजोल और एक्टर गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और अमीरी को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। पर इन दिनों ये अपने बच्चों यशवर्धन आहूजा और न्यासा देवगन को लेकर चर्चाओं का हिस्सा बनी हैं, क्योंकि वो दोनों जल्दी शादी कर अपना घर बसाने वाले हैं, जिसके चलते ये दोनों सगी समधने बनने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जल्द ही बनने वाली समधने काजोल और सुनीता आहूजा में से किसके पास है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, कौन जीती है सबसे महंगी लग्जरी लाइफस्टाइल और किसकी है फैन फॉलोइंग ज्यादा? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको दोनों के बीच कंपैरिजन करके बताएंगे, पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की खुशनुमा एक्ट्रेस और न्यासा देवगन की मम्मी काजोल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम आपको बता दें, इन्होंने कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फना और करण अर्जुन जैसी अनगिनत फिल्मों में काम कर 100 करोड़ की संपत्ति कमा ली है और उस संपत्ति से इन्होंने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसमें इनका 20 करोड़ का मुंबई का आलिशान घर है जो दिखने में काफी खूबसूरत नजर आता है, जिसमें हर तरह की अरेंजमेंट काफी परफेक्टली की गई है और उसमें एक लिविंग एरिया, शानदार गार्डन, मॉडिफाइड किचन से लेकर 10 कमरे भी अवेलेबल है। वही अगर बात करें इनकी लाइफ स्टाइल की, तो आज ये काफी महंगी लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती हैं। जी हाँ, ये अपने सूट साड़ी, लहंगा, जीन्स टॉप से लेकर प्लाजो लेगी पर 50 से 60 हजार रूपए खर्च करती हैं। साथ ही इन्हें महंगे बूट और हाई हील्स के सैंडल पर 3 लाख रुपए खर्च करने का शौक है, जिसके साथ इन्हें महंगी महंगी ज्वेलरी, परफ्यूम, वॉच से लेकर गॉगल्स कैरी करना बहुत अच्छा लगता है, जिसके चलते ये कुल मिलाकर अपनी लाइफ स्टाइल पर 5 लाख रुपए खर्च करती हैं। इतना ही नहीं, ये तो आज लंबोर्गिनी, मर्सिडीज, रेंज रोवर जैसी लग्जरी शानदार गाड़ियों की भी मालकिन है, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है। लेकिन अगर बात करें यशवर्धन आहूजा की माँ यानी कि न्यासा देवगन की सास सुनीता आहूजा की प्रॉपर्टी के बारे में, तो यूं तो सुनीता आहूजा एक हाउसवाइफ है, लेकिन इनके पति गोविंदा इतने अमीर हैं कि उनके पैसों की असली मालकिन सुनीता आहूजा ही हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, अभिनेता गोविंदा आज 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं और उन पैसों से उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के लिए 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसमें इनका 30 करोड़ का मुंबई का घर है और दिल्ली में भी इनकी 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कि 25 करोड़ की है। साथ ही इनके 2 फार्म हाउस हैं जो 10 करोड़ के हैं, जिनकी सुनीता आहूजा इकलौती मालकिन है। वहीं अगर बात करें सुनीता आहूजा की लग्जरी लाइफस्टाइल की, तो आज ये बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। जी हाँ, क्योंकि जहाँ ये अपने स्टाइलिश कपड़ों, जीन्स टॉप, प्लाजो, गाउन, शरारा और मिडी पर 50 हजार रुपए उड़ाती हैं, तो वहीं उनके साथ महंगे महंगे परफ्यूम और वॉच का भी काफी शौक है। इतना ही नहीं, अक्सर इन्हें सोने की ज्वेलरी कैरी किए भी देखा जाता है। और तो और, ये अपने शूज सैंडल पर लगभग 40 हजार रुपए खर्च करती हैं। इसलिए सब कुछ मिलाकर देखा जाए, ये खुद पर 2 लाख रुपए पानी की तरह बहाती हैं। इतना ही नहीं, आज ये भी ऑडी Q7 और जैगवार जैसी महंगी महंगी गाड़ियों की मालकिन है, जिसकी कीमत 5 से 6 करोड़ रुपए की है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों समधनों काजोल और सुनीता आहूजा में से किसकी प्रॉपर्टी, लाइफ स्टाइल और फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, तो हम बता दें दोनों के बीच कंपेरिजन करके की जहाँ एक्ट्रेस काजोल की फैन फॉलोइंग 12.3 M है, तो वहीं सुनीता आहूजा की फैन फॉलोइंग 32.3K है, जिससे साफ जाहिर होता है कि काजोल अपनी होने वाली समधन सुनीता आहूजा से हर चीज में आगे हैं। तो दोस्तों, हुए ना आप भी हैरान काजोल और सुनीता आहूजा दोनों समधनों की अमीरी जानकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।